भिंड में बरासो थाना क्षेत्र डगर गांव में सरकारी उचित मूल्य की दुकान में पौने 6 लाख रुपए की हेराफेरी कर दुकान संचालक ने हड़प लिया। हितग्राहियों की शिकायत पर जब जिला खाद्यान्न आपूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब टीम के सदस्यों ने जांच की तो हितग्राहियों की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद सरकारी उचित मूल्य की दुकान को सील कर लिया गया है। वहीं दुकान संचालक के खिलाफ बरासो थाना में FIR दर्ज कराई गई। जिला आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ अधिकारी अजय अस्थाना के मुताबिक महगांव अनुविभाग के डगर गांव में सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर राशन बांटे जाने में गड़बड़ी की जा रही है। हितग्राहियों द्वारा की गई शिकायत में बताया गया कि पिछले 2 से 3 महीने से लगातार हेराफेरी कर सरकारी राशन को हड़पा जा रहा है। यह शिकायत पर जब जांच की गई और हितग्राहियों के बयान भी लिए गए, इसके बाद स्टॉक रजिस्ट्रार के मिलान किया गया। सारे दस्तावेजों की पड़ताल किए जाने पर सरकारी राशन में गड़बड़ी मिली। सरकारी दस्तावेज के मिलान किए जाने पर पाया गया कि 5,75,668 रुपए की गड़बड़ी की गई है। दुकान संचालक भरत सिंह निवासी मुस्तरा हितग्राहियों से मशीन पर अंगूठा पंच कराते थे, फिर भी राशन नहीं दिया। शिकायत सही पाए जाने पर जिले के वरिष्ठ अफसरों को रिपोर्ट दी गई। पुलिस थाना में FIR दर्ज कराई जा चुकी है। पहले बता दा तो बात जी कही गई है कि मतलब फरीवाड़ा 15 दिन बाद आएगा, तब से दो बार ले गए, 15 दिन के बाद नहीं आया जी। अब जुलाई में फिर बटा तो लोग आने जी गई, वो पहला वारा कहाँ है? अवे भी आगे वो कहीं 15 दिन बाद आएगा जो अप्रैल वाला फ्री वाला। अच्छा, तो वो ना फ्री वाला पहले दिया है और न जामे दे रहे।